ततिया समाज कल्याण संस्था जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में युवक युवती का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम स्थल वंदना लान में हजारों की संख्या में सामाजिक बंधुओं, समाज के पदाधिकारियों एवं सजातीय बंधुओं की उपस्थिति हुआ। ततिया समाज जिला अध्यक्ष मीरचंद बेलवंशी मंच पर अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। युवक युवतियों ने मंच से दिया परिचय। ततिया समाज छिंदवाड़ा के द्वारा समाज के लिए सफल मिलन समारोह एवं सम्मेलन आयोजन किया। जिले के समस्त सामाजिक पदाधिकारियों की अभूतपूर्व उपस्थिति रही। भविष्य में इसी प्रकार के सफल आयोजन करने के लिए प्रेरित करते बड़े बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ते दिखाई दिए। समाज की उन्नति एवं विकास के लिए समाज का संगठित होना आवश्यक है। छिंदवाड़ा सीटीएम से पुष्प कुमार चांदेकर की रिपोर्ट। समाज कल्याण संस्था छिंदवाड़ा की ओर से आज ये परिचय सम्मेलन बड़े ही घंटे और संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जिलों महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी जिलों से हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए। युवक युवतियाँ जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था अधिकांश संख्या में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि जब किसी के घर लड़का या लड़की होती है तो उसके लिए वर्ष प्रदर्शन बहुत कठिन कार्य है, जिसके कारण हमारा समाज की बहुत से लोग बताइए जो आज कतिया समाज के द्वारा सम्मेलन किया गया उसमें क्या क्या कार्य हुए। सन 1975 में मध्य प्रदेश कतिया समाज संस्था का गठन हुआ। गठन करने के पीछे ये उद्देश्य था कि समाज मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर जो बिखरा हुआ है उसको समेकित करके और बहुत सारी जो रूढ़ी बाधिता है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको समाप्त करके और समाज विकास की दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से ये संस्था बनाई। मध्य प्रदेश कतिया समाज संस्था के नेतृत्व में इन विभिन्न जिलों में, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चीनी हो, बालाघाट हो, मंडला हो, बैतूल हो, होशंगाबाद और खंडवा, भोपाल, इंदौर इत्यादि स्थानों पर क्षेत्रीय संगठन अर्थात जिला के संगठन बनाए गए और उन जिलों के संगठन के नेतृत्व में सारा काम समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो युवा बच्चे हैं उनको सिटी लाइव हमेशा समाचार के साथ।